आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। काफी दिनों से आप लोगों को उसका इंतजार था, उस पल का जो हम आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये वीडियो, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको महात्मा गांधी सेतु पर और वो खुशखबरी आपको बताते हैं जिसका इंतजार आप सभी को काफी दिनों से था। NH-19 है ये, छपरा पटना मार्ग है ये, ऐसे ये पटना हाजीपुर का मुख्य मार्ग है। सामने महात्मा गांधी सेतु का नया स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर मोकामा के राजेंद्र सेतु या कोइलवर के रेल सड़क पुलों के तर्ज पर स्टील गर्डर से दो चरणों में बनाने का निर्णय अब सफल होता दिख रहा है। पहले चरण में अप स्ट्रीम यानी पटना से हाजीपुर जाने वाले लेन यानी पश्चिमी लेन के सभी पिलरों पर ट्रस इरेक्शन का काम पूरा हो गया है। करीब 1742.01 करोड़ की लागत से गांधी सेतु का पुनर्निर्माण होना है, जिसमें पहले चरण का फिनिशिंग वर्क शेष बचा है। 5.575 किलोमीटर लंबे इस पुल के पूरा होने का इंतजार बिहार के लोगों को बड़ी बेसब्री से है, पर 42 महीने में इसका काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था। आपको बता दें कि ये गांधी सेतु का निर्माण पूरा हुआ था 1982 में, जो शायद बिहार का पहला 4 लेन गंगा पुल था। निर्माण के 9 साल के बाद ही यानी 1991 से पुल में डैमेज दिखना शुरू हो गया था, जो मेंटेनेंस के बावजूद ठीक नहीं हुआ और अंततः पुल के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर पुराने पाये पर नए पियर कैप के निर्माण और स्टील स्ट्रक्चर के साथ इसका निर्माण शुरू हुआ, जिसका समय समय पर हम अपडेट देते रहे हैं। इस नए पुल की चौड़ाई लगभग 14 मीटर होगी, 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी होगा, साथ ही रेलिंग निर्माण, एंटी क्रैश बैरियर, यूटिलिटी कैरियर, सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट के साथ कई सुविधाओं से लैस होगा ये नया वाला पुल। अभी फिलहाल दोनों तरफ की गाड़ियों का आवागमन पूर्वी लेन पर चल रहा है जो आपके सामने है। चूंकि लॉकडाउन है और गाड़ियां कम चल रही है अभी, तो अभी ये पुल खाली है, वरना निर्माण के बाद ही इस पुल पर लोड काफी रहा है, क्योंकि ये बिहार का लाइफलाइन है। अब ये पुल जो बनकर के तैयार हुआ है उस तरफ वाला, वो अब चालू हो जाएगा लॉकडाउन के बाद, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारे ट्रस को इरेक्ट कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, और एक तरह से देखा जाए तो एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ गया है। तो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। महात्मा गांधी सेतु संभवतः लॉकडाउन के बाद कभी भी चालू हो सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तो इनसे इनका प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।